हेलो गाइस, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पिजन टिप्स। तो आज भी भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, और कल जो है गाइस आपने वीडियो देखी होगी रंजन भाई के चैनल पे, तो हमारा जो है एक बेबी मर गया, मतलब कि सारे ही मर जा रहे हैं, भग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं, क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हैं उनके माँ बाप भी उनको बचाने के लिए, पूरा अपना जितना भी खाना खाते हैं वो सारा अपने बेबी को दे देते हैं, और वो बहुत कम ही खा पाते हैं फिलहाल तो। लेकिन मैं बच्चे निकलवाने का मेरा बहुत मन करता है, बट निकलवाता भी हूँ, और आप सब भाई भी बहुत बोलते हो कि भाई बच्चे निकलवाओ, ब्रीडिंग करवाओ, तो यार इसी वजह से मैं ब्रीडिंग नहीं करवाता था पहले, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया, और अभी तक देख सकते हो भाई आपके सामने ये प्रूफ। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट बेबी निकला था, एक बड़ा भी हुआ था, काफ़ी दिन तक यहाँ रहा था पर वो भाग गया, पता नहीं अपने आप ही गायब हो गया वो। फिर उसके बाद एक बेबी और निकला था, वो भी भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहा था, उसने पूरा प्रॉपर यहीं पे अपना झाड़ वाड़ जो भी होता है वो सब यहीं किया था, फिर वो भी भाग गया। फिर उसके बाद ये दो बच्चे बेबी निकले, फिर इनके निकलते ही भाई बड़ा वाला जो था वो तो भाग ही गया, रंजन भाई से पता नहीं कैसे भाग गया वो, और बेचारा ये एक बचा हुआ था, ये भी सही था, इसकी आँख आ गई थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं सच्ची बताता हूँ आप सब भाई, से झूठ कभी नहीं बोलता, तो उसकी आँख आई थी, बट उसकी आँख प्रॉपर मैंने ठीक कर दी थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, आपको याद हो तो, कि इसकी आँख ठीक हो गई थी, तो मैंने वीडियो में दिखा दिया था, पर पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम से ना सूखे माने लग गया बहुत ज़्यादा, कबूतर ने हार मान लिया था, और बहुत ज़्यादा सीख आने लग गई थी उसकी, काफ़ी ज़्यादा लो फील करता था वो, बिल्कुल उड़ ही नहीं पाता था, इसलिए मैं उसको धूप में भी खोल के जाता था, बट पता नहीं क्या हुआ। कल जो है मैं उसी दिन, मैं मेरा भाई डेली का काम है पानी, मैं डेली भाई दो टाइम रख के जाता हूँ, मतलब दोपहर में आके एक बार चेंज करके चला जाता हूँ मैं, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कबूतरों को पानी देना बहुत बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ठीक है, तो पानी ज़रूर दो यार कबूतरों को, बिल्कुल पागल हो जाएंगे अगर कबूतरों को पानी दोगे, लकवे में भाई बहुत कबूतर आएंगे आपके अगर आपने पानी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो प्लीज़ पानी रेगुलर दें टाइम टू टाइम, ओके। और कल जो अपना बेबी मर गया तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ मैं। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा है, इतनी मेहनत से देखो इतना बड़ा किया था मैंने, ओके मेरी भी मेहनत थी, उसकी माँ बाप की बहुत मेहनत थी, और अभी भी एक बच्चा निकल ही रहा है यार, आपको मैंने सोचा दिखा दूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, सोचा मैंने अपने भाइयों को दिखाऊँ यार अपना बच्चा जो निकला है, बड़ा हो गया है वो भी थोड़ा, तो थोड़ा दिखला देता हूँ मैं, बस वीडियो बनाने का एक यही मोटिव है भाई, कबूतर भाग जाए या मर जाए, पहली बात भाई कबूतर ना भाग जाए वो ठीक है, लेकिन मरना नहीं चाहिए यार घर पे, मर जाता है ना यार बहुत ज़्यादा दुख होता है, भले ही वो दूसरे के यहाँ चले जाए, खुश रहे, उड़े, सब हो, बढ़िया लगता है ऐसे, लेकिन अपने घर पे इतनी मेहनत से पाला बड़ा किया और वो आँखों के सामने ही मर जाए तो बहुत अजीब सा फील होता है यार, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो उनके माँ बाप तो बोले भाई बच्चा भी अंदर ही है, अभी जो है फिलहाल मैं भाई बच्चे नहीं निकलवाने वाला है, जो ये निकल रहा है ये आखिरी है, जो भी अंडे देगा मैं हटा दूंगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठंडों में ही ब्रीडिंग करानी चाहिए, गर्मी में बेकार है ब्रीडिंग कराना, और मच्छर भी लग रहे हैं तो चिकन फॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, पता नहीं चिकन फॉक्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताना, जो उनके दाने निकल जाते हैं पैर में वो मच्छर की वजह से ही निकलते हैं, मच्छर काटते हैं भाई रात में ना, तो वही निकल जाते हैं, तो इस वजह से भाई बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी में, तो इस वजह से इस बार ब्रीडिंग नहीं कराएंगे गर्मी में, अपने जैसे हैं जितने कबूतर हैं नहीं रखेंगे। ओके, तो अपना बेबी दिखाते हैं, और आज तक ना गाइस यहाँ अपने यहाँ बेबी जो है बहुत ही कम ही बच्चे हैं आज तक भाई, हमारे पास अभी एक ही बच्चा बचा हुआ है, और वो भी भगवान की दुआ से बहुत अच्छा है, आप दुआ करो यार उसको कुछ ना हो, इतना बड़ा हो गया, उसका जोड़ा भी लग गया, आपको याद होगा हम पे खैरा का उतारा हरा, जो कि नीचे निकलवाया था हमने नीचे वाले लॉफ्ट में, वो अभी तक है यार, बहुत दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आँखों के सामने इतना बड़ा बच्चा हो, तो आपको दिखाऊँगा एक बार कहाँ है वो, देखो यहीं बैठा हो, देखो ये रहा, ये देखो ये रहा यहाँ बैठा है भाई, बहुत खतरनाक कबूतर है बहुत ज़्यादा, अभी मैं कबूतर को भी खोल दूंगा, और थोड़ा लॉफ्ट भी साफ़ करना है तो वो भी कर दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया छत पर, तो लॉफ्ट भी साफ़ कर देंगे और बच्चे को भी दिखा देंगे आपको। तो भाई ये कुछ कबूतर है अपने सारे, ठीक है ज़्यादा नहीं है कम ही है, जो भी हैं बढ़िया हैं, पर अपना बेबी हो रहा भाई अंदर। ठीक है, तो पहले इनको खोल देता हूँ, क्योंकि इनको खोल के ही लॉफ्ट साफ़ हो पाएगा, ऐसे तो लॉफ्ट साफ़ होने नहीं वाला, तो इनको खोलना ही पड़ेगा, तो इनको खोल देता हूँ फिर आराम से अपना लॉफ्ट साफ़ कर लेता हूँ, ओके फिर आपको आराम से बेबी भी दिखा दूंगा बढ़िया से, जो कि अच्छा रहेगा, ज़्यादा वो भी नहीं होगा। और ये वाला कबूतर भाई उस दिन पकड़ा था रंजन भाई ने, वो बहुत ही प्यारा कबूतर है, रियली बता रहा हूँ, बिल्कुल अपने इसकी तरह, बिल्कुल डिप्टो भाई, बिल्कुल इसके ऊपर है, आपको एक बार दिखा दूंगा शौक करा के बाद में किसी और दिन वीडियो बना के। ठीक है, फिलहाल इनको खोलता हूँ बड़ी जल्दी से, फिर आराम से दिखाता हूँ आपको पूरा,
कबूतर बहुत अच्छा है, लेकिन ललसरा कबूतर है, काबली बढ़िया है। तो फाइनली अपना लॉफ्ट का जो सफाई का काम था वो कंप्लीट। देख तो भाई पूरा लॉफ्ट साफ कर दिया मैंने। और चलो आपको बेबी दिखा देते हैं, कौन सा बेबी अब बचा है हमारे पास। रियली भाई ये अपना आखिरी बेबी है, इसके बाद कोई बेबी नहीं, शायद फिर ठंडियों में निकलवाऊँ बेबी, ठीक है। वैसे भाई इन दोनों पियर ने भाई, मतलब ये वाला जो पियर था इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने अपना 100% दिया भाई बेबी को बचाने में। भाई एक भी बेबी मरने नहीं दिया इन्होंने, और बहुत ही अच्छा निकाला भाई, कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो ये आखिरी निकल रहा है भाई, ये वाला निकलेगा बिल्कुल जो अपना बच्चा जो भागा है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही निकलने वाला है ये। ये देख सकते हो ये रहा अपना आराम से बैठा और अंडा दे रखा है एक, ये रहा आपको तो दिखाई दिया मैंने अंडा, ये रहा भाई अंडा अभी फ़िलहाल में ही दिया है, ठीक है। तो इसको अभी हम फेंक देंगे फिलहाल, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा अपना बेबी आखिरी। तो अच्छा नहीं लगता यार ऐसे बेबी मर जाए आंखों के सामने। तो बहुत से भाई बहुत सारे बेबी निकलवाए हैं, रियली बता रहा हूँ, बहुत 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 सारे, बट हमारे यहाँ आज तक भाई कोई भी बेबी रुका नहीं है, यहाँ पे आज तक ये रिकॉर्ड है, बस एक ही बेबी अभी तक बचा हुआ है हमारे आंखों के सामने। बस दुआ करना भाई ऊपर वाले से कि ये वाला बच्चा जैसे तैसे यहाँ पे अपने अपने लॉफ्ट में रहे, अपने साथ रहे, ठीक है, आखिरी दम तक। बस यार यही दुआ करना, ठीक है। तो बाकी आपको दिखाता हूँ इसे बाहर निकाल के कि कैसा है ये। आजा मेरे बाबू, आजा मेरे बाबू, सोना लाला चुड़ी आजा। ओ ओ भाई एक बच्चा निकलाने में वैसे वैसे बहुत फ़ायदा है गाइस, ठीक है। फ़ायदा यह है कि अपना एक बेबी भाई बहुत हेल्दी निकलता है और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती दाने पानी की, और दो बेबी होते हैं तो उसमें लड़ाई वड़ाई करते हैं और दाना प्रॉपर मिल नहीं पाता। तो एक बेबी निकलता है ना तो बहुत खुश रहता है, देख सकते हो दाना पूरा पोटे से भरा पड़ा है, पोटे में बच्चा बहुत प्यारा निकलने वाला है, गर्म भी बहुत है। वैसे लॉफ्ट में वैसे गर्मी तो होती है भाई ईंट के लॉफ्ट में, बट मैंने तो आगे इतना बड़ा वेंटिलेशन लगा रखा है तो इसमें इतनी गर्मी नहीं लगती, बट जिन भाइयों का भाई बहुत ज़्यादा पूरा ही बिल्कुल वेंटिलेशन का कोई जुगाड़ नहीं, जिसमें सिर्फ गेट ही गेट है, वो भी भाई पूरा पैक गेट रहता है कितनों का तो लोहे का, उसमें भाई बहुत गर्मी होती होगी, इसलिए भाई लॉफ्ट बनाओ तो वेंटिलेशन का ध्यान जरूर रखो कबूतरों के लिए, ओके। बाकी चलो इसे रख देते हैं अंदर। आज की वीडियो में इतना ही था कि यार हमारा अब आखिरी बच्चा है ये, इसमें बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि रंजन भाई ने भी बताया होगा कि यार रंजन भाई बोल रहे थे वीडियो में कि मैं बच्चे नहीं निकलवाता, मेरे को इसी वजह से बच्चे निकलवाना पसंद नहीं है। तो ये सही बोला उन्होंने, इसी वजह से हमें बच्चे निकलवाना पसंद नहीं था, ठीक है। तो चलो ये आखिरी बच्चा था हमारा, अब बच्चे नहीं निकलेंगे, एक भी बच्चे निकलेंगे अब सीधा ठंडी में, अपने ठंडियों में बच्चे निकलवाएंगे, ठंड में भाई बहुत अच्छे रहते हैं बच्चे, हेल्दी भी रहते हैं, ठीक है। चलो बाहर चलते हैं कबूतरों को दिखाते हैं। अब फिलहाल गाइस अपने सारे कबूतर खुले हुए हैं, अब पंजावन में मुझे लग रहा है भाई अंडे रखने वाली, देख सकते हो कैसे कर रखा है इसने अपनी हालत, भारी भी हो रही है कबूतरी, और अपना एक अंडा भाई वो कबूतरी भी देने वाली, वो भी देख सकते हो भारी हुई है, वो भी वहाँ बैठ गई है, उसका ही पेट में अभी एक अंडा आएगा, इसने तो एक अंडा दे दिया है, वो उसी का ही है वो जो वहाँ बैठी है, पंजावन ने अभी एक भी नहीं दिया है शायद, तो वो देगी, तो बस ये दे दिया है, फिर मैं अंडे नहीं निकलवाऊँगा इनसे, पता नहीं क्या है भाई, अंडे पंडे दिए जा रहे हैं। बाकी चलो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप भाई वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एंड जब तक के लिए बाय बाय।